नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पन्याल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम लाइनमैन का। और ये एग्ज़ाम 2015 का है, कंडक्ट करवाया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। और इस एग्ज़ाम का हम डिस्कस करने वाले हैं जीके सेक्शन। तो ये एग्ज़ाम जो था ये पुराने पैटर्न के हिसाब से था, जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 50 क्वेश्चन आपके रहते थे जीके सेक्शन के। तो चलिए देखते हैं जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के साथ। सबसे पहले हमारे पास इसमें है हिमाचल जीके के कुछ क्वेश्चन। तो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम एक ही वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 151, द महाकाली लेक इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो महाकाली लेक कहाँ है? ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 152, विच द फ्लोइंग रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस रोहतांग पास। तो इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान जो विश्व विख्यात है रोहतांग दर्रा, वहाँ से होता है? तो वो है आपकी ब्यास रिवर, ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। नेक्स्ट 153 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग पासिस कनेक्ट लाहौल स्पीति एंड लाहौल लैंड स्पीति। तो इनमें से कौन सा दर्रा है जो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है? तो वो है कुंजुमला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 154, रोंगटोंग पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ है? ये है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 155 हमारे पास क्या है? अदर देन मंडी डिस्ट्रिक्ट वी मे फाइंड गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एट। मंडी जिले के अतिरिक्त हम बंदूक उत्पादन उद्योग कहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं हिमाचल में? तो वो है आपका नाहन सिरमौर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 156, द फेमस श्यामा काली टेम्पल लोकेटेड एट टाना हिल्स इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो श्यामागली टेम्पल और इसे टाना टेम्पल भी कहते हैं, तो ये कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 157, द बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति हैज़ बीन रिटन बाय। तो ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, AFP हारकोट। तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। नेक्स्ट 158 क्या है आपके पास? चैल वॉज द समर कैपिटल ऑफ द राजा ऑफ। चैल किस राजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो ये थी पटियाला के राजा की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 159, श्री जयवंत राम वॉज द। तो जयवंत राम जी क्या थे? तो ये थे फर्स्ट स्पीकर ऑफ HP विधानसभा। हिमाचल प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी उसके जो पहले स्पीकर थे वो थे जयवंत राम। तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जाता है कई बार, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 160, भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है भूरी सिंह संग्रहालय। नेक्स्ट 161, एज पर सेंसिस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो ये है आपका 83.78%। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? द नेम वजीर राम सिंह इज एसोसिएटेड विद। तो वजीर राम सिंह का संबंध कहाँ से है? तो ये है नूरपुर से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 163, ब्लैक टेंपल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा। तो भारत का कौन सा मंदिर है जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपका सूर्य मंदिर सन टेंपल जो पड़ता है आपका कोणार्क में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा जाता है कहाँ पे पड़ता है? कोणार्क में पड़ता है। और यहाँ पे आपका हिमाचल जीके 162 पे ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप हिमाचल जीके से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिमाचल जीके पूछा जाता है और फर्स्ट टाइम आप तैयारी कर रहे हो, तो हमने अपने चैनल पर ट्रिक्स बनाई हैं। जितने भी हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी पे ट्रिक्स बनाई हैं। तो एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक जरूर करें, और प्लेलिस्ट का नाम है HP GK ट्रिक। तो उसमें आपको हिमाचल प्रदेश के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी के सभी ट्रिक के माध्यम से हमने डिस्कस करे हैं, मे बी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, तो एक बार जाके जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 164, द नेम बालचंद्र नेमाड़े इनका संबंध किसके साथ है? तो ये है साहित्यकार है। ऑप्शन सी मराठी लिटरेचर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 165, ब्लैंक हैज़ रिसेंटली बिकम द इंडियाज फर्स्ट वाईफाई एनेबल्ड मेट्रो सिटी। ऑप्शन ए कोलकाता करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 166, द नेम पी कश्यप इनका संबंध किसके साथ है? तो इनका संबंध है
बैडमिंटन के साथ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपके तीन क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन के 167। द फाइव इंटरविंग रिंग्स ऑफ ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट, तो आपने जब भी ओलंपिक देखे होंगे तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से पांच रिंग्स देखने को मिलते हैं। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो पांच रिंग्स है कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं विश्व की पांच महाद्वीपों को, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कई बार कि आपके पास ओलंपिक रिंग जो है उसमें कलर आपके पास कौन कौन से हैं। आपके पास दो या तीन कलर दिए होंगे और बाकी कलर आपसे पूछे होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बता देता हूँ कलर कौन कौन से हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा कलर कौन से कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, कौन से महाद्वीप को दर्शाता है। तो चलिए साथ ही साथ नोट करते हैं, अगर आपके पास पेन पेंसिल है, अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है येलो कलर। और नेक्स्ट आपके पास है अमेरिका। अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है रेड कलर। नेक्स्ट आपके पास है अफ्रीका। अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है ब्लैक कलर। अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है ब्लैक कलर, तो यहां से आप लिख सकते हैं ब्लैक कलर। नेक्स्ट आपके पास है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है कलर ग्रीन। और लास्ट आपके पास है यूरोप, और यूरोप को रिप्रेजेंट करता है ब्लू कलर। तो ये आपके पास पांच महाद्वीप थे और पांच कलर थे जो इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपिक रिंग में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के 168। हु इज द हीरोइन ऑफ हिंदी फिल्म शमिताभ, तो हिंदी फिल्म शमिताभ आई थी 2015 में, तो उसकी अभिनेत्री कौन थी, तो वो थी अक्षरा हसन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 169। द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये हर वर्ष मार्च में मनाया जाता है, कितने मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 170। द टोटल मेंबर नेशन ऑफ यूएनओ इज, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य कितने हैं, तो वह है 193। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स ब्लैंक शेड्यूल, तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और कौन कौन सी अनुसूची में कौन कौन सी बातें कही गई है ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 172 आपके पास के हैं। ब्लैंक पर्सन एंग्लो इंडियन आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन लोकसभा के सदस्य के तौर पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 2। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास के 173। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन, एक जो धन विधेयक होता है उसे प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन डिसाइड करता है कि वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट, तो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा की वही डिसाइड करते हैं एट लास्ट कि एक बिल आपके पास मनी बिल है या फिर नहीं है। नेक्स्ट 174। हैलीज कॉमेट रीअपीयर आफ्टर एवरी हाउ मेनी ईयर्स, तो हैली जो धूमकेतु होता है वो कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है, तो ऑप्शन ए 76 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 175। रेड क्लिफ लाइन इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन, तो रेड क्लिफ जो एक रेखा है तो ये कौन से दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताता है, तो ऑप्शन बी इंडिया एंड पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे मैं कुछ एक बात करता हूँ, कुछ एक जो इंटरनेशनल बाउंड्री है जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, तो आप नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास है मैकमोन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट आपके पास है हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। नेक्स्ट है रेड क्लिफ आपके पास होगी। नेक्स्ट उसके बाद है 38 पैरेलल लाइन, ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। और एक आपके पास है 49 पैरेलल लाइन जो है यूएसए और कनाडा के बीच में, इम्पॉर्टेंट है। और एक आपके पास ड्यूरेंट रेखा जो भारत और पाकिस्तान, अगर कागजों में बात करें तो भारत और पाकिस्तान, और एक्चुअल में बात करें तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 176। ब्लैंक रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक,
तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम पूछा गया है, तो नर्मदा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 177, टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो ये है उत्तराखंड में, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कौन सी नदी पे बना है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी पे बना है, डैम का नाम पूछा जाता है, स्टेट का नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट 178, द बुक पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाय, तो जो पुस्तक है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 179, गरीबी हटाओ इरेडिकेट पावर्टी स्लोगन वॉज कॉइन ड्यूरिंग, वो ये जो नारा है ये कौन से 5 ईयर प्लान में लगाया गया था, 179 का जो आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये लगाया था 4th 5 ईयर प्लान में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 180, ब्लैंक वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 181, हु एड्रेस गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के तौर पे किन्होंने संबोधित करा था, तो ये करा था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और कमेंट करके बताए कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने करके संबोधित किया था, और आई थिंक यहाँ ऑप्शन में ही है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट 182, सांची स्तूप, तो ये बनाया गया है अशोक के द्वारा, ऑप्शन बी अशोका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 183, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 183, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर, तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1556 में, और पानीपत की बात करें तो ये पड़ता है हरियाणा में। टोटल यहाँ पे 3 लड़ाइयाँ हुई थी, पहली हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, और ये हुई थी मराठों और अफगानों के बीच में, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 184, ब्लैंक इज पॉपुलर नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 185, द मेन कंस्टेंट ऑफ गोबर गैसेस, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो ये होता है मीथेन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 186, जॉन्डिस इज ए डिजीज विच इफेक्ट, तो पीलेवर हो गए जो हमारी कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, तो ये इफेक्ट करता है लीवर को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 187, When the milk is churned vigorously, the cream from it separated out because of, जब दूध को जोर से माथा जाता है तो वो किस कारण से क्रीम को अलग करता है, तो जैसे आपने घर में भी देखा होगा जो दूध से मक्खन बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं उसको, तो किस फोर्स की वजह से वो आपके पास सेपरेट होता है दूध से क्रीम, तो वो आपके पास होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ऑप्शन डी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 188, व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट थिन फिल्म्स ऑफ ऑयल ऑन वाटर ऑफन एग्जिबिट एक्सलेंट कलर ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ, कई बार सूर्य के प्रकाश में पानी पर उद्भासित तेल की पतली परत तीक्ष्ण रंग प्रदर्शित करती है, तो कई बार आपने देखा होगा अगर पानी के अंदर तेल गिर जाता है तो आपको कुछ ऐसे कलर दिखने लगते हैं जैसे आपको रेनबो में दिखने लगते हैं, तो वो किस वजह से दिखते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है, इंटरफेरेंस, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के 189, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, तो इनमें से कौन सा समय के इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है, तो लाइट ईयर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। नेक्स्ट 190, ड्राई आइस इज, तो ड्राई आइस को क्या कहते हैं हम, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे आपके पास इंग्लिश की क्वेश्चन है, 191 क्या है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो ऑप्शन बी विम्सकिल करेक्ट आंसर है, WHIMSCICL। नेक्स्ट 192, चूज द सिनोनिम ऑफ ईओलॉजी, ईओलॉजी का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, ऑप्शन सी प्रेस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है 193,
द स्टेट ऑफ बींग नेमलेस, तो उसे क्या कहेंगे, एनोनिमिटी। एनोनिमिटी क्या होता है, स्टेट ऑफ बींग नेमलेस, जब आपके पास कोई भी नाम नहीं रहता है। 194, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है यूजल, यूजुअल, जो चीज़ प्राय होती रहती है उसे कहते हैं कन्वेंशनल। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा अनयूजुअल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 195 के हैं, आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड बुक्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास 5 क्वेश्चन हिंदी के हैं। फर्स्ट के 196, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन डी आशीर्वाद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 197, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद कौन सा है, तो ऑप्शन बी वी प्लस उत्पत्ति करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 198, रश्मि का पर्यायवाची क्या है, तो ऑप्शन बी किरण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 199, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, तो वाक्य आपके पास क्या है, ऋण देने वाला, तो उसे क्या कहते हैं, उत्मरण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 200, पौ 12 होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अत्यधिक लाभ होना, जब अत्यधिक लाभ होता है तो उसे कहते हैं पौ 12 होना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।